नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो हाल ही में अभी कल ही जो है नई रूल्स जो है ना यहाँ पर प्रपोज किए जाने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे पूरे भारत में सन 2022 तक। और उसी के चलते अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है ना अभी इनको प्रपोज किया गया है। तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तीन अलग अलग स्टेजेस में। और ये तीन अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी डेट को इम्प्लीमेंट होगी और किस तरीके से कौन कौन की जो वस्तु है ना उनको हम बैन करेंगे अगर अलग अलग स्टेजेस में, तो इसके बारे में पूरी चर्चा इस लेक्चर में हम करेंगे। तो एंजॉय करते हैं स्टडी को, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है इसका मतलब क्या है। तो ये जो नए अमेंडमेंट रूल्स बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि अभी प्रपोज किए गए हैं, तो इनके तहत जो नई डेफिनेशन निकल कर आ रही है सिंगल यूज प्लास्टिक्स की, वो क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इन रूल्स के तहत कि कोई भी प्लास्टिक कॉमोडिटी जो कि एक ही बार यूज होगी। ओके, तो यहाँ पर एक ही बार यूज होगी और दोबारा जो है ना जब तक वो उसको डिस्पोज नहीं कर देते, जब तक उसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर देते। ओके, तो अगर एक बार यूज कर लिया फिर उसको यहाँ पर दोबारा कचरे में जाएगी, कचरे में से दोबारा उठाएंगे, फिर उसको रिसाइकल करोगे, फिर दोबारा से वो कॉमोडिटी जो है ना प्लास्टिक की उसको दोबारा से बनाया जाएगा, फिर उसको यूज करेंगे। ओके, कहने का मतलब एक बार में जब वो मैन्युफैक्चर होकर कोई भी यहाँ पर प्लास्टिक कॉमोडिटी आएगी तो वो एक ही बार में यूज होगी। ओके, तो कोई भी ऐसी कॉमोडिटीज, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जो थंबनेल में मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये सारी ना मेडिसिन की यहाँ पर जो है बॉटल्स है। ओके, तो ये अगर एक बार कोई भी परचेज करता है तो इसमें कोई उसको यूज करने के बाद कोई एडिशनल चीज इसमें नहीं रखता। ओके, जैसे कुछ लोग यहाँ पर जैसे शीशियां लेते हैं तो उसमें सरसों का तेल डालकर उसको यूज करना शुरू कर देते, तो इस तरीके से इन दवाइयों वाली शीशियों को बहुत रेयर ही यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये सिंगल यूज है। ओके, एक बार यूज किया बाद में कचरे में ही जाएंगी। तो अभी इन्हीं इन्हीं जैसे प्लास्टिक्स के ऊपर जो है बैन लगाने की बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत तीन अलग अलग यहाँ पर स्टेजेस में ऐसी प्लास्टिक्स को बैन किया जाएगा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, तो इस पिक्चर में भी काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो पॉलीथीन है। ओके, इसके अलावा जो प्लास्टिक के ये ग्लास है, ओके, ये जो स्पून है, बॉटल्स हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है प्लास्टिक की बनी हुई, तो इसका एक ही बार यूज होगा। ओके, बाद में यूज करके इसको यहाँ पर फेंक दिया जाएगा, तो जो फेंक दिया जाएगा कचरे में जाएगा, और हो सकता है कि वैसे ही जमीन में ऐसा पड़ा रहे तो वहीं पर ऐसे पड़ा रहेगा, हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान करेगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर इस ऐसे प्लास्टिक्स को बैन करने की यहाँ पर बात चल रही है जिसको हम कह रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है यहाँ पर रूल्स जो है यहाँ पर ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो वो यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये पूरा नाम है इस मंत्रालय का। तो इसी के द्वारा जो है यहाँ पर नए रूल्स को यहाँ पर ड्राफ्ट करने की बात कही जा रही है। और इसके चलते यहाँ पर क्या प्रपोज किया जाएगा, यहाँ पर ऐसी सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक कॉमोडिटीज को इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगाई जाएगी, इनके यूज के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, इनके सेल के ऊपर, इनके इम्पोर्ट के ऊपर, इनकी हैंडलिंग के ऊपर, सब जगह पर जो है यहाँ पर पाबंदी लगाई जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करके चलेंगे हम आने वाले समय में, क्योंकि 2022 तक का हमारा टारगेट है। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन वाली जो मुहिम थी इसकी अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2019 में की थी, और यहाँ पर टारगेट रखा था 2022 का कि 2022 तक जो है हम धीरे 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 करके सिंगल यूज को, जो प्लास्टिक है सिंगल यूज वाली, उसको फेस आउट कर देंगे। ओके, मार्केट से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो अभी उसी के चलते प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है ना उनको प्रपोज किया जा रहा है, और इसी साल से यहाँ पर जो है तीन स्टेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, शुरुआत जो है पहले स्टेज की वो इसी साल से होगी। और सबसे पहले बात करते हैं जो पहले यहाँ पर जो स्टेज होगी, पहली स्टेज जो इंप्लीमेंट की जाएगी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स है। ओके, तो यहाँ पर उसमें जो यहाँ पर प्रपोज किया गया फॉर प्लास्टिक बैग्स। ओके, तो ये प्लास्टिक बैग्स के चलते यहाँ पर जो पहला स्टेप चला जाएगा कि प्लास्टिक बैग जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई थी, फोटो दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था कि ये नीचे जो यहाँ पर पड़ा हुआ है यहाँ पर एक तरह का ये प्लास्टिक बैग है। ओके, तो ऐसे प्लास्टिक बैग, ओके, तो ये किस तरीके से बनने चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर पहली स्टेज होगी, और ये इसको लागू किया जाएगा 30 सितंबर तक। ओके, तो 30 सितंबर तक जो भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया, जो भी यहाँ पर रूल्स प्रपोज किए जाएंगे मिनिस्ट्री के द्वारा, उसी के तहत आपको जो है ना नए यहाँ पर जो है प्लास्टिक के ये बैग जो है कैरी बैग जो है ये बनाने हैं। ओके, तो
तो अगर इससे इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे जो यहाँ पर रूल्स दिए होंगे, फिर उसको बैन कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी क्या शर्तें हैं इसके रिगार्डिंग? तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो हर एक शीट यहाँ पर जो नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग की यहाँ पर यूज की जाएगी। ओके, तो मतलब कि नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग, कहने का मतलब कि सिंपल रूप से जो आप पॉलीथीन देखते हो, जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर का दिखाया था, सिंपल जो पूरे का पूरा तरीका, मतलब किसी में जिसमें कोई किसी तरीके का सिलाई कढ़ाई नहीं की है, ओके, उसको यहाँ पर बुना नहीं गया है, तो इस तरीके का सिंपल प्लास्टिक का कैरी बैग अगर उसको आप यूज कर रहे हो, तो उसका यहाँ पर जो वेट है ना, वो 60 GSM से यहाँ पर जो है ना कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो जीएसएम का यहाँ पर मतलब है ग्राम पर स्क्वेयर मीटर। ओके, ग्राम पर स्क्वेयर मीटर मतलब इतना जो है इसका, कम से कम 60 ग्राम पर स्क्वेयर मीटर से यहाँ पर वेट जो उसका कम नहीं होना चाहिए। देखो, नॉर्मल जो आप कोई भी पॉलिथीन या फिर कोई भी कैरी बैग देखते हो, तो इससे ज्यादा ही उसका वेट होता है। ओके, और इसके अलावा अगर उसकी थिकनेस की हम बात करें, मोटाई की बात करें उस यहाँ पर प्लास्टिक शीट की, तो वो 240 माइक्रोन से यहाँ पर जो है यहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए। ओके, कम से कम इतनी थिकनेस उसकी हो। और इसके अलावा अगर उसी कैरी बैग को रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया गया है, ओके, मतलब कि एक बार यूज हो गया, दोबारा से उसको रिसाइकल करके दोबारा से उसको प्लास्टिक के फॉर्म में ढाला गया है, तो उस प्लास्टिक को यूज करके अगर आपने पॉलिथीन बनाया है, कैरी बैग बनाया है, प्लास्टिक बैग बनाया है, तो उसके यहाँ पर जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जितनी कम यहाँ पर थिकनेस हो जाएगी, तो उतनी जल्दी वो यहाँ पर फट जाएगा। ओके, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर लागू होंगी जब से ये September 30 को जो फर्स्ट स्टेज जब यहाँ पर शुरुआत उसकी इंप्लीमेंट की शुरुआत हो जाएगी, तब से ही यहाँ पर जो है सभी शर्तें लागू होंगी। और अभी बात करते हैं दूसरी स्टेज की। तो जो दूसरी स्टेज होगी, इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 जनवरी से 2022 में। ओके, 2022 में अगले साल जो है ये सेकेंड स्टेज जो है इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 6 कैटेगरीज होगी अलग अलग सिंगल यूज प्लास्टिक की, जिनके ऊपर पूरी तरह से जो है बैन लगाया जाएगा। तो पहली कैटेगरी कौन से? पहली कैटेगरी में हम जो ईयरबड्स यूज करते हैं विद प्लास्टिक स्टिक्स। ओके, जैसे लोग जो है ईयरबड्स को यूज करते हैं कानों में से, खासतौर पर मैल निकालने के लिए। तो वहां पर आगे जो है दोनों सिरों के ऊपर यहाँ पर कॉटन जो है वो लगा होता है। हालांकि ऐसी यहाँ पर हमें खुद से यूज ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, कॉटन जो है ना वो कान में रह सकता है, तो कान का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीजों से आपको परहेज ही करना चाहिए। ओके, तो ऐसे जो ईयरबड्स होंगे जहां पर प्लास्टिक के स्टिक्स लगी होंगी, ओके, तो वहां पर बैन होगा पूरी तरीके से। इसके अलावा जो प्लास्टिक स्टिक, जो बैलून वगैरह जो जिसमें प्लास्टिक के स्टिक जो है ना उसके साथ बैलून को बांधा जाता है, तो वहां पर प्लास्टिक के स्टिक को यूज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लास्टिक के फ्लैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो कैंडी स्टिक्स होंगे, जैसे लॉलीपॉप वगैरह होते हैं, तो उनके अंतर्गत भी यहाँ पर प्लास्टिक स्टिक जो है लगाई जाती है। ओके, लॉलीपॉप को यहाँ पर ठहराने के लिए, तो ऐसी स्टिक्स के ऊपर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो आइसक्रीम की स्टिक्स होगी, इसके अलावा जो थर्माकोल यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, तो थर्माकोल भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है, ओके, डेकोरेशन के पर्पज से। और यहाँ पर इससे जो चाय के कप वगैरह जो वो भी बनते हैं, ओके, तो वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से इन 6 कैटेगरीज के ऊपर जो है पूरी तरीके से पाबंदी होगी। पूरी तरीके से पाबंदी का मतलब है ना इसकी कोई सेल होगी, ना इसका कोई यूज होगा, ना इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ना ही इसका कोई स्टॉक रख सकता है। ओके, और ना ही इसका कोई इंपोर्ट होगा, और ना ही इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो है मुकम्मल पाबंदी जो है ना 1 जनवरी 2022 से ये सेकेंड स्टेज में इन 6 कैटेगरीज में यहाँ पर जो है लगा दी जाएगी। थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइन वगैरह भी होगा आने वाले समय में, जब ये बिल पूरी तरीके से ड्राफ्ट कर दिया जाएगा, रूल्स ड्राफ्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा जब रूल्स ड्राफ्ट होके जब उनको पब्लिक किया जाएगा। ओके, तो ये शुरुआती यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से एरियाज में अभी जो है मुकम्मल तौर पर ये पाबंदी लगाएंगे सेकेंड स्टेज में। और अभी बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जुलाई 2022 से। तो इसमें भी यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई जिन आइटम्स के ऊपर यहाँ पर बैन लगाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी जिनके ऊपर यहाँ पर जो है पाबंदी होगी? सबसे पहली बात करें प्लास्टिक प्लेट्स की, प्लास्टिक कप्स की, प्लास्टिक ग्लासेस की। ओके, यहाँ पर प्लास्टिक जो कटलरीज यहाँ पर आइटम, जैसे यहाँ पर नाइफ हो गया, फॉक्स होगी, स्पून हो गए। ओके, जैसे अगर कोई बर्थडे केक हो, तो वहां पर ज्यादातर ये सब चीजें प्लास्टिक के साथ में आपको मिलती हैं। ओके, तो प्लास्टिक के नाइफ वगैरह, स्पून वगैरह मिलते हैं, जिससे कि मतलब आप केक वगैरह काट सको। फॉक वगैरह भी जो है आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, स्ट्रॉ। ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए वो भी प्लास्टिक के मिलते हैं। वो इसके अलावा जो ट्रेस वगैरह, जो रैपिंग फिल्म्स हैं, जो भी किसी भी यहाँ पर मिठाई के डब्बे के अराउंड जो है आप जो है जिससे रैप करवाते हो, अपने गिफ्ट वगैरह रैप करवाते हो, तो ये सब चीजें भी यहाँ पर जो है इसके ऊपर पाबंदी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन्विटेशन कार्ड्स हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जो सिगरेट पैकेट्स हैं, इसके अलावा जो प्लास्टिक पीवीसी बैनर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर इन सबके ऊपर जो है यहाँ पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पर जो यहाँ पर थिकनेस है वो कम से कम जो है 100 माइक्रोन से लेस होगी। ओके,
तो उस कैटेगरी में यहाँ पर जो है पाबंदी होगी इन सब चीजों के ऊपर। और इसके अलावा जो स्टेटर्स है, मतलब जो चीज अगर कोई भी चीज आपने मिक्स करनी होती है आपके, तो उसके उसके तहत लंबे लंबे ये डंडियां होती हैं प्लास्टिक की बनी हुई, और उसको यूज करके अगर वो स्टेटर जो होते हैं तो उनके ऊपर भी जो है पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो जो है बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो साल 2022 तक का ही टारगेट था कि इस साल तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को पाबंदी पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी लगा देनी है इसके ऊपर। और इस तरीके से स्टेप जो है आने वाले समय में भारत सरकार जो है वो चलेगी। तो यहाँ पर जो ये सिगरेट है, सिगरेट पैकेट्स हैं प्लास्टिक के, जो पीवीसी बैनर्स है ना, तो इनकी यहाँ पर बात करी जा रही है जो 100 माइक्रोन से जिनकी यहाँ पर कम यहाँ पर मोटाई होगी, थिकनेस होगी, उनके ऊपर जो है पाबंदी होगी। इसके अलावा जो बाकी मैंने आइटम्स डिस्कस किए उनके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी जो है भारत सरकार के द्वारा लगा दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये चीजें सही नहीं है, ये केमिकल्स वगैरह से यहाँ पर चीजें बनी है। तो उसी में चीज अगर रखकर हम खा रहे हैं कोई, खासतौर पर अगर कोई गर्म गर्म चीज अगर खा रहे हैं, तो उससे यहाँ पर हमारी सेहत को ही खतरा है। ओके, तो कैंसर जैसी बीमारियां जो ना वो फैल सकती हैं अगर हम किसी थर्माकोल के ग्लास में अगर चाय पी रहे हैं, कॉफी वगैरह पी रहे हैं, ओके, कोई गर्म चीज पी रहे हैं, ओके, या फिर कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर आइटम जो है ना उसको हम उसका सेवन कर रहे हैं, खासतौर पर ये प्लास्टिक कप्स वगैरह हो, ओके, प्लास्टिक के यहाँ पर ग्लासेस हो, फॉक्स हो, स्पून हो, तो ये सब चीजें सही नहीं है, ओके, सेहत के लिए। तो इसके इन सब चीजों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी जो है 1 जुलाई 2022 तक जो है यहाँ पर लगा दी जाएगी। इसके बाद जो है इनकी कोई सेल परचेज या इंपोर्ट जो है या कोई भी चीज जो है यहाँ पर नहीं होगी, पूरी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर पाबंदी होगी भारत में। ओके, तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, क्या ऐसे लेक्चर्स आपको और चाहिए रोजाना रूटीन में। ओके, तो कितने लेक्चर आप जो है एक दिन में आपको यहाँ पर चाहिए, ओके, तो उस हिसाब से मुझे बताइए आप। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है कमेंट में मुझे आप आंसर करें। ओके, और साथ ही साथ लाइक भी करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।